जियो, ये पल खाली ना चला जाए, ये पल अवसर है, इसे तुम ऐसे ही मत गवा देना। कुछ बना लो इसका, कुछ रस ले लो इसमें, कुछ भोग लो इसे, कुछ पहचान लो इसे, इसका स्वाद उतर जाने दो तुम्हारे प्राणों में, ये ऐसा ही ना चला जाए। क्योंकि अगर समय ऐसा ही जाता है तो समय को ऐसे ही चले जाने की आदत मजबूत होते चली जाती है, फिर धीरे धीरे समय को गंवाना तुम्हारा प्राकृतिक हो जाती है। भोगो इसे, चूस लो इस पल को, निचोड़ लो इसको पूरा, इसका रस जरा भी ना छूट जाए। ये परमात्मा के प्रति धन्यवाद है कि उसने तुम्हें अवसर दिया, जीवन दिया, और तुमने ऐसे ही गवा दिया। परमात्मा तुमसे ये ना पूछेगा, यहूदी की किताब है तालमूद, बड़ी अनूठी किताब है, दुनिया में कोई धर्मशास्त्र वैसा नहीं है। तालमूद कहती है कि परमात्मा तुमसे ये ना पूछेगा तुमसे कौन कौन सी गलती है की, गलती है तो वह हिसाब रखता ही नहीं, बड़ा दिल है। परमात्मा तुमसे पूछेगा तुम्हें इतने अवसर दिए थे, सुख के इतने सारे अवसर दिए थे, तुमने भोगे क्यों नहीं, गलतियां की कौन फिगर रखता है, भूल चूक का कौन हिसाब रखता, वो तुमसे पूछेगा इतने अवसर दिए थे सुख के, आनंद के, तुमने भोगे क्यों नहीं। तालमूद कहती है एक ही पाप है जीवन में, और वो है जीवन के अवसरों को बिना भोगे गुजर जाने देना। जब तुम आनंदित हो सकते थे, आनंदित ना हुए, जब गीत गा सकते थे, गीत ना गाया, सदा कल पर टालते रहे, स्थगित करते रहे, ये स्थगित करने वाला आदमी जिएगा कब, कैसे जिएगा, स्थगित करना ही तुम्हारे जीवन की शैली हो जाती है। बच्चे थे तब जवानी पर छोड़ा, जवान हो तब बुढ़ापे पर छोड़ोगे, और बुढ़ापे में लोग हैं वे अगले जन्म पर छोड़ रहे हैं, वे कह रहे हैं पलरोक में देखेंगे, यही लोग एकमात्र है, यही पल है, सत्य का यही पल है, बाकी सब झूठ है, मन का जाल है। लेकिन अगर तुम्हें अच्छा लगता है तुम्हारी मर्जी, तुम्हें अच्छा लगता है तो मैं कौन हूँ बाधा देने वाला, तुम सपने देखो, कभी ना कभी तुम जागोगे, तब रोगे पछताओगे, तब तुम पछताओगे कि इतना समय यूं गवाया। और ध्यान रखना, जीवन में जितना दुख भर लोगे, जितना अपने आप को पीड़ा से भर लोगे, उतना आंसू घने कर लोगे, जितना पछतावा हो जाएगा उतना ही कठिन हो जाता रोकना। फिर दुख को, आंसुओं को कभी तुमने ख्याल किया, हंसी तो एकदम रुक जाती है, रोना एकदम नहीं रुकता। तुम हंस रहे हो एकदम रुक सकते हो, रोना एकदम नहीं रुकता, थमते थम से थमेंगे आंसू, रोना है कुछ हंसी नहीं है, कुछ ऐसा सारोवार कर लेते, दुख ऐसे गहराई तक प्रविष्ट हो जाता है, तुम्हारी जड़ों तक समाविष्ट हो जाता, फिर तुम उसे रोकना भी चाहो तो कैसे रोकोगे। थम से थमते थमेंगे आंसू, रोना है कुछ हंसी नहीं है, ये कोई मजाक नहीं, रो लिए और रोक लिए, ये कोई हंसी नहीं है कि हंस लिए और रोक लिए, हंसी तो तुम्हारे ऊपर ऊपर होती रुक जाती, रोना बहुत गहरे चले जाता, रोना तुम्हारे जीवन में सब तरफ भर जाता। और रोज रोज अगर तुम रोने की इस तरह संभलते गए तो जीने को कल पर टालते गए, तुमने कहा हंसेंगे कल रोएंगे आज, तुम दो दलील दे रहे हो, वह दलील यह है कि अपना वर्तमान तो सुखद मालूम नहीं पड़ता, इसलिए सुखद सपने देखेंगे। सुखद वर्तमान क्यों नहीं है ये पूछो, इसलिए नहीं है कि कल भी तुमने सपने देखे थे आज के, और कल को, कल का दिन गवा दिया जिसमें आज सुखद हो सकता था, जिसमें आज की आधारशिला रखी जा सकती थी, कल तुमने गवा दिया इसलिए आज दुखद है। और तुम यही दलील दे रहे हो कि हम आज को भी गवाएंगे क्योंकि कल का सपना अच्छा मालूम पड़ता, तुम्हारी मर्जी, गणित साफ है। फिर तुमसे मुझसे तुम मत कहना कि हमें किसी ने चेताया नहीं, तुम्हें मौका ना मिलेगा कहने का, ये ध्यान रखना, हमें किसी ने चेताया नहीं, दूसरे को तो ये सुविधा भी है कहने का कि उन्हें किसी ने चेताया नहीं, लेकिन मैं तुम्हें रोज रोज चेता रहा हूँ,